Hello dear bachcho, welcome to my channel Study Time. Today I am going to teach you lesson number 3 of 3rd standard English and name of the lesson is Tenali Raman draws a picture. Bachcho, aapko pata hai Tenali Raman kon the? Tenali Raman was a very wise and clever man. Tenali Raman Andhra Pradesh ke ek prasiddh kavi the aur uske saath saath wo Vijayanagar ke samrajya ke raja कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टप्रधानों में से एक थे. उनकी कुशाग्र बुद्धि और हजर जवाबी के कारण वो राजा के प्रिय व्यक्तियों में से एक थे. बच्चों, आपको पता है तेनाली रामन पर टीवी शोज भी बने हैं जिसके द्वारा आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हो. नाउ हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लेसन तेनाली रामन ड्रॉज अ पिक्चर इज़ तेनाली रामन एक चित्र बनाते हैं. नाउ हियर द मीनिंग ऑफ पिक्चर इज व्हाट चित्र और ड्रॉ का मतलब होता है बनाना या फिर निकालना. इन दिस स्किट रामन गिव्स अ फनी एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई देयर वाज नथिंग इन हिज पिक्चर. स्किट का मतलब होता है नाटक. इस नाटक में रामन ने बहुत ही मजा किया स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने जो चित्र निकाला था उसमें कुछ भी क्यों नहीं था. कैन यू थिंक ऑफ अदर सच फनी एक्सप्लेनेशंस. आप भी ऐसे ही कुछ मजा किया एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण के बारे में सोच सकते हो. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. तेनाली रामन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड. तेनाली रामन जो कि ड्राइंग बोर्ड के सामने खड़े थे. मैसेंजर, गुड आफ्टरनून सर, द किंग वॉन्ट्स यू. उतने में क्या होता है, एक मैसेंजर आता है. मैसेंजर का मतलब होता है कि जो मैसेज लेके संदेश लेके आते हैं. वो क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर, दैट मीन्स शुभ दोपहर सर. द किंग वॉन्ट्स यू, किंग आपको देखना चाहते या फिर किंग आपको कोर्ट में वहाँ मौजूद चाहते हैं. रामन, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी. रामन बोलते हैं चुप बैठो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्या हूँ, मैं बिजी हूँ, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, अभी व्यस्त हूँ. मैसेंजर गोज अवे, ये सुन के मैसेंजर चला जाता है. गोज अवे का मतलब होता है चले जाना. किंग वॉक्स इन, उतने में किंग्स वहाँ पे आ जाते हैं. वॉक्स इन का मतलब है चलते हुए आना. वो बोलते हैं रामन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वॉट आर यू डूइंग. वो बोलते हैं रामन को, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, दैट मीन्स मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. वेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार करना. वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. ओके, डूइंग का मतलब होता है करना. रामन, योर मैजेस्टी, आई वॉज ड्राॅइंग अ पिक्चर. रामन उनको आंसर देते हैं कि मैं एक पिक्चर ड्राॅइंग कर रहा हूँ. ओके, ड्राॅइंग का मतलब होता है चित्र निकालना. ओके, निकालना या फिर बनाना. ओके, पिक्चर का मतलब होता है चित्र. तो रामन बोलते हैं कि मैं एक चित्र निकल रहा था. किंग, आई सी. किंग बोलते हैं ऐसा है, वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर. हम आपका पिक्चर, आपका जो चित्र है वो देखना पसंद करेंगे. ओके, लाइक का मतलब होता है पसंद करेंगे. रामन, हियर योर मैजेस्टी. उतने में रामन क्या करते हैं, उनके सामने एक खाली फ्रेम ड्राइंग बोर्ड दैट मीन्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि दिस इज माई पिक्चर, ए है मेरा चित्र. किंग, किंग उतने किंग क्या बोलते, देखो इज दिस अ पिक्चर. किंग उनके सामने एक क्वेश्चन रख देते, ये क्या पिक्चर है, ये चित्र है. व्हाट यू हैव ड्रॉन रामन, तुमने क्या निकाला है रामन, प्लीज़ एक्सप्लेन, मुझे इस विस्तृत में बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो तुमने क्या निकाला है. तो रामन बोलते हैं आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ, मैंने काउ निकाली थी, दैट मीन्स गाय निकाली थी. अ काउ ईटिंग लोड्स ऑफ ग्रास, जो काउ बहुत सारा ढेर सारा ग्रास खा रही थी. किंग, लोड्स ऑफ ग्रास, आई कांट सी एनी ग्रास हियर. तो उतने में किंग बोलते हैं बहुत सारा घास, ढेर सारी घास. आई कांट सी एनी ग्रास हियर, कांट सी का मतलब है दिखाई नहीं देना. ओके, तो किंग बोलते कि मुझे तो यहाँ कोई घास नहीं दिखाई दे रही है. रामन, आह दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप. उनको रिप्लाई देते हैं कि ये किसकी वजह से है, क्योंकि काउ ने पूरा खा लिया. एट इट अप मीन्स वॉट, खा जाना. क्योंकि वहाँ पे ग्रास या घास क्यों नहीं है, कि काउ ने उसको खा लिया है. किंग, एंड वेयर इज द काउ. तो किंग बोलते हैं कि किंग दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर गाय कहाँ है. तो रामन उनको बोलते हैं आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास, पूरा घास खा जाने के बाद द काउ वॉक्ड अवे, वहाँ से गाय चली गई. योर मैजेस्टी. किंग, हा हा हा. रामन, यू ऑलवेज मेक्स मी लाफ.
रामन का रिप्लाई सुन के किंग समझ जाते हैं कि रामन क्या कर रहा है, उनके साथ मजाक कर रहा है, और किंग भी उनके साथ वो मजाक का आनंद उठाते हैं और वो भी हंस पड़ते हैं।